क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इसमें लीनियर इक्वेशंस वी वांट टू सिंप्लीफाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेथड्स। और फर्स्ट मेथड बाय द ग्राफिकल मेथड, सेकेंड बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाउ वन मोर मेथड द एलिमिनेशन मेथड। तो हाउ टू यूज द एलिमिनेशन मेथड, दे हैव राइट द टू लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स और स्टैंडर्ड फॉर्म ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। दीज आर द टू लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी एक पेयर दे रखा है। एलिमिनेशन का मतलब ये है कि बेटा हम दोनों इक्वेशन से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। इसका एक और भी नाम है जिसको हम कहते हैं इक्वेटिंग द कोफिशियंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशियंट्स। मतलब कोफिशियंट्स इक्वल होंगे या तो सम करने पे हट जाएंगे एक वेरिएबल, या फिर प्लस करने पे दो एक वेरिएबल हट जाएगा। एक वेरिएबल की इक्वेशन हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर वापस उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो यही लिखा हुआ, अगर मैं इसको ए टू से और इसको ए वन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर ए वन ए टू आ जाएगा, यहाँ पर ए टू ए वन आ जाएगा, सबट्रैक्ट करने पे ये वेरिएबल हट जाएगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हम जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं और साथ में एक्सरसाइज भी कराते चलते हैं। यानी ये हमारी जो एक्सरसाइज 3.4 है वो बेस्ड है इसी पर, यानी कहा गया कि इससे आप करो, और साथ में लिखा कि एंड आल्सो यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम चूँकि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं इससे पहले, तो हम आपको कंसंट्रेट मेनली किस पे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड पे करेंगे। तो बताते हैं कि ये कैसे यूज होगा। क्वेश्चन नंबर वन का हमने फर्स्ट पार्ट लिखा है, यहाँ पर कह रहा है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर। इसको नंबर वन मान लिया और इसको नंबर मान लिया हमने टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टू है, यहाँ पर वन है, यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे वन है। तो अगर पहले वाली इक्वेशन को हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाई का वेरिएबल इक्वल हो जाए, वो बाई इक्वल हो जाएगा, एक जगह प्लस का थ्री होगा एक जगह माइनस का थ्री होगा, सम अप करेंगे दोनों को कट जाएंगे, एक्स एक्स बचेगा जिसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कैसे करते हैं, यहाँ हमने लिखा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई थ्री ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। तो देखो हमने ये लिखा है तो इसको मल्टीप्लाई ऐसे भी कर लिख सकते थे हम, ये लिखने की सॉरी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, और ये क्या बन गया मेरा कि थ्री से मल्टीप्लाई करना, तो मैंने थ्री यहाँ लिख दिया। अब ये क्या बन गई कि थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन, और दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख दी। कोई सी भी इक्वेशन ऊपर और नीचे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है बेटा। जब साइन दोनों के, अब देखो यहाँ पे थ्री है यहाँ पर भी थ्री है, अगर दोनों का साइन अलग अलग है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन एडिंग, मतलब ऐड करने पर। अगर ये साइन एक जैसा होता तो हम लिखते ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन एडिंग में साइन चेंज नहीं होते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये कितना हो गया कि फाइव एक्स आ गया, फाइव एक्स इज इक्वल टू नाइनटीन हो गया, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया नाइनटीन अपान में फाइव आ गया। अब ये एक्स की वैल्यू या तो हम इस इक्वेशन में पुट कर दें या फिर इस इक्वेशन में पुट कर दें, जो आसान सी हो जिसमें कैलकुलेशन कम करनी करे पड़े, उसमें हम जब मोस्ट लाइकली क्या करते हैं कि पुट किया करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यहाँ क्या किया कि पुट एक्स इज इक्वल टू नाइनटीन बाई फाइव इन इक्वेशन वन। तो ये मेरा लिखा हुआ है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव,
एक्स की वैल्यू 19 बाई 5 आ गई, प्लस का वाई इज इक्वल टू 5 हुआ, ठीक है। और सिंप्लीफाई हो जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 19 अपॉन में 5। एलसीएम ले लें, 5 आ गया, 25 हुआ माइनस 19 हुआ, 25 में से 19 गया, कितना बचा, 6 बचा, तो 6 बाई 5। तो x की वैल्यू तो ये आ गई और y की वैल्यू मेरी ये आ गई। अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूँ, ये और ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर लूँ या यहाँ पुट कर लूँ, यहाँ पुट करूँगा तो 5 के इक्वल आंसर आ जाता है, तो ठीक है, नहीं तो गलत है ये आंसर। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या बना, 19 अपन 5 यहाँ पर पुट किया, तो 19 अपन 5 यहाँ पर पुट किया तो 19 अपन 5 प्लस 6 अपन में 5 कितना बना, 25 अपन में 5, दिस इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू आर एच एस के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। आगे देखते हैं, हमने इसी का सेकंड पार्ट लिख लिया, तो अभी दो एक पार्ट करेंगे, कांस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस, ताकि आपको क्लियर हो जाए, अगर कोई मैटर नहीं क्लियर हुआ तो। तो यहाँ लिखा कि 3x और प्लस का 4y इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा कि 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ। देखो बेटा एक बात और यहाँ पर सीखी जा सकती है कि 2 2 2 हर जगह 2 से दोनों तरफ आई है, 2 से मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डिवाइड इसलिए नहीं करना क्योंकि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 हो जाएगा, या अगर इसको इक्वल करना चाहते हैं तो मैं ऊपर वाले को 2 से कर दूंगा, नीचे वाले को 3 से कर दूंगा, तो ऊपर वाले को 2 से किया तो 6 हो जाएगा, नीचे वाले को 3 से किया तो 6 हो जाएगा। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है, ये नहीं कि बाई बराबर करनी है तो बाई, एक्स बराबर करनी है तो एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या बन गया, इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ऊपर वाले को एज इट इज लिख लिया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पर भी साइन फिर से अलग अलग आ गए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ऑन एडिंग लिख दूंगा, ऑन एडिंग, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो गया, 7x इज इक्वल टू 14, एक्स इज इक्वल टू 14 बाई 7, दिस इज इक्वल टू 2। अब ये वाली वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दें चाहे इसमें पुट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आसान सी लगे उसमें पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो यहाँ हमने लिखा पुट, एक्स इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये फर्स्ट वाली क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट कर लें, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 आ गया, y इज इक्वल टू 4y 4, दिस इज इक्वल टू 1। अब चेक करना है अगर मुझे, तो y की जगह पे यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा, x की जगह पे ये 10 के बराबर आ रहा हो, बर्बली दिख रहा है ये, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, और आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये फोर्थ वाला पार्ट हमारा, ये थर्ड वाला भी वैसे ही है, फोर्थ वाले में डिनोमिनेटर में है इसलिए मैं उसको लिख ले रहा हूँ, एक्स बाई 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू माइनस 1, और दूसरी इक्वेशन मुझे दे रखी है एक्स माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 दे रखी है, इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 6 हुआ, तो 2 3 जा तो 3x हो गया, 3 2 जा 2 2 जा 4y हो गया इज इक्वल टू माइनस 1, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 बना, ऐसे ही इसको भी बना लेते हैं, 3 आ गया तो 3x और माइनस का y इज इक्वल टू 3, तो क्या बन गया ये 3x माइनस y इज इक्वल टू 9।
अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो देखो दोनों को लिख लेता हूँ मैं पहले। 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और दूसरी क्या लिखी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखो इसमें x की तो कोफिशियंट्स ऑलरेडी इक्वल है, तो मुझे कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं, लेकिन यहाँ साइन सेम है, दोनों का साइन प्लस प्लस का है ना, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, ऑन सबट्रैक्ट लिख दूंगा और साइन चेंज कर दूंगा। सबट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होता है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस है तो प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा लिया। अब ये प्लस का ऊपर वाला साइन हम भूल जाएंगे, अब ये साइन इसका है, तो प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल हो गया, 4 + 1 कितना हो गया, 5y हो गया, -9 -6 -15 हो गया, y इज इक्वल टू कितना हो गया, -15/5 हो गया, तो क्या आ गया ये -3। अब ये वाली वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दें, इसको चलो 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, कहीं पर भी पुट कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएगा हर एक केस में। यहाँ लिखा कि पुट y इज इक्वल टू -3, किस इक्वेशन में पुट करें भाई, ये ज़्यादा छोटी लग रही तो इसी में कर देते हैं, इन इक्वेशन 2 लिखा। यहाँ लिखा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x ये माइनस और ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू प्लस का 3, 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू कितना हुआ 6, x इज इक्वल टू कितना हुआ 2 हुआ, ये कैंसिल हो गया, 2 आंसर आ गया। वाई की वैल्यू -3 और एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, -2 आई, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें आते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, हर एक्सरसाइज में इस चैप्टर में क्या होगा, एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी, तो वो वर्ड प्रॉब्लम हमें करने बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है कभी कभी 4 नंबर का इससे। तो हमको, हमने पहले वाले एक्सरसाइज के सभी वर्ड प्रॉब्लम्स बताए थे, तो इसमें भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिखा, फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऐसा पहले भी पिछले वाले एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन था, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आए, आप मान लो कि सबसे आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, न्यूमरेटर को एक्स डिनोमिनेटर को वाई मान लेंगे, फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में वाई हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स मान लिया, और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू वाई, तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन हो गया इज इक्वल टू एक्स अपॉन में वाई के बराबर हो गया। अब ये जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही हम करते रहेंगे। इफ बी एड 1 टू द न्यूमरेटर, कह रहा न्यूमरेटर को 1 प्लस कर दो, कर देते हैं 1 प्लस, एक्स प्लस बना गया, एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दो, तो क्या कह रहा है, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू द 1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको इससे किया तो एक्स प्लस वन आ गया, इसको इससे किया तो वाई माइनस वन आ गया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, एक्स माइनस वाई माइनस वन क्या बन गया, एक्स माइनस टू, ये एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, इट बिकम्स 1/2 इफ बी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में कुछ नहीं कर रहा, कह रहा डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दो, तो कर देते हैं कि न्यूमरेटर में तो कुछ करना नहीं और डिनोमिनेटर में मुझे क्या करना है, 1 प्लस करना है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 1/2 के इक्वल हो जाता है, फिर क्रॉस करते हैं इसको, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो ये क्या आ गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। एक दूसरे के नीचे रख लो, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इनके बहुत सेम ही है कोफिशियंट, तो मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं, लेकिन यहाँ पे साइन सेम है तो ऑन क्या लिखूँगा मैं, सबट्रैक्ट करनी है मुझे, तो साइन चेंज कर दिया है, प्लस तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, या माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया ये, -6 इज इक्वल टू -3।
माइनस के 2x है प्लस का x, तो माइनस एक्स बचेगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 3 हो गई। अब चाहे तो यहाँ पुट कर दें चाहे यहाँ पुट कर दें, x की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ लिखा पुट x इज इक्वल टू 3, इन इक्वेशन चलो बन लिख लिया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स की वैल्यू 3 आई, माइनस वाई माइनस 2, क्या बना ये, माइनस वाई माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस वाई माइनस 5, इससे ये कैंसिल हो गया, वाई इज इक्वल टू 5 हो गया। लेकिन अभी ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि मुझे फ्रैक्शन चाहिए, तो फ्रैक्शन मेरा ये है एक्स अपान में वाई, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपान में वाई, एक्स इज इक्वल टू मैंने कितना निकाला था 3, और वाई इज इक्वल टू कितना निकाला 5 निकाला, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। और आगे देखते हैं, ये कुछ इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। 5 ईयर एगो नूरी बाय थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 ईयर लेटर द नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज द सोनू, हाउ ओल्ड आर द नूरी एंड द सोनू। भाई ऐसा क्वेश्चन पिछले वाले में भी आया था। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब भी एजेस की बात हो तो आप क्या करोगे, हमेशा प्रेजेंट एज फाइंड आउट करोगे। तो हमने यहाँ लिखा कि लेट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ किसकी निकाल ली है, एक नूरी है और एक सोनू है, तो नूरी की मैंने एक्स मान ली, एक्स ईयर। ठीक है, और सोनू की मान ली मैंने कितनी, प्रेजेंट एज वाई। अब ये हमसे कह रहा 5 ईयर है वो, तो 5 साल पहले, तो आज की डेट में अगर आप 15 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने के होंगे, 10 के रहे होंगे, 5 माइनस कर दिए, तो इसमें भी 5 माइनस कर दूँ, इसमें भी 5 ही माइनस कर दूँ, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, वाई माइनस 5। अभी हमसे क्या कंडीशन कह रहा है कि नूरी सोनू की एज की 3 टाइम्स है, यानी ये इसकी 3 टाइम्स है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3 बाई माइनस 5, एक इक्वेशन बन गई, सिंप्लीफाई कर लें इक्वेशन बन गई, एक्स माइनस 5 3 बाई माइनस का 15, इसको इधर ले आए, माइनस 3 बाई माइनस 15 प्लस का 5, तो एक्स माइनस 3 बाई इज इक्वल टू माइनस का 10, ये एक इक्वेशन बन गई। फिर ये क्या कह रहा, 10 ईयर लेटर नोरी बाय ट्वाइस, मतलब 10 साल के बाद, तो मैंने यहाँ पे लिखा आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ नोरी। भाई 10 साल के बाद कितनी होगी, अगर आज की डेट आपकी 15 साल है तो 10 साल बाद 25 साल के हो जाओगे, प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट एज में प्लस कर देंगे, ऐसे ही सोनू की निकाल लेंगे, वाई प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि ये इसकी 2 टाइम्स है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हो गई कि एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2 वाई प्लस का 10, तो एक्स प्लस का 10 टू वाई प्लस का 20, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 10, तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। आसान सी इक्वेशन, एक्स वाई की वैल्यू जो आएगी वो किसकी होगी, नूरी और सोनू की एज हो जाएगी। तो ये इक्वेशन मैंने आपके लिए छोड़ दी, ये 2 इक्वेशन बना दी, आप इनसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन बताते हैं भाई, ये लिखा हुआ है थर्ड वाला, कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स अप टू डिजिट इज नंबर इज 9। तो देखो बेटा, पहले हमें डिजिट बनानी आनी चाहिए कि डिजिट का कंसेप्ट क्या होता है, किस कोई नंबर 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, तो उसका कंसेप्ट क्या होता है। मान लो कि मैंने यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 20 प्लस 5 लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
टेन इंटू टू लिख सकता हूँ, प्लस का फाइव लिख सकता हूँ भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेंस डिजिट नंबर होता है वो टेन का मल्टीपल हुआ करता है और यूनिट डिजिट ऐसी बनी रहती है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में एक यूनिट डिजिट सपोज करेंगे और एक टेंस डिजिट सपोज करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा कि लेट यूनिट डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू एक्स, और टेंस डिजिट मैंने क्या लिख लिया, टेंस डिजिट इज इक्वल टू वाई मान लिया। नंबर हमारा क्या बनेगा, हमें यहाँ पता है कि टेंस डिजिट टेन का मल्टीप्लाई होता है, तो टेंस डिजिट मेरा बाई है तो मैंने टेन बाई कर लिया, और यूनिट डिजिट यहाँ पे सम है तो मैंने यहाँ पे, तो ये मेरा क्या बन गया, नंबर बन गया। क्या बन गया, नंबर बन गया। अब इसने हमसे कहा कि द सम ऑफ द डिजिट्स अप टू डिजिट नंबर इज नाइन, डिजिट मेरी क्या है 122। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा है, जैसे मान लो 27 लिखा, 2 + 7 9 के बराबर होता है, 72 है, 54 है, ठीक है, 45 है, तो ऐसे ही कोई नंबर होगा हमारा। तो ये क्या हमारे डिजिट, हमें पता तो है नहीं, हमारी तो डिजिट एक्स प्लस वाई है, तो ये एक नाइन हो गई, ये इक्वेशन एक बन गई। अब ये क्या कह रहा है हमसे कि नाइन टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब तो एक नया नंबर चाहिए मुझे, न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ आ जाएगा, बाई यहाँ आ जाएगा, यानी टेन एक्स प्लस का बाई जाएगा। अब अच्छे से इसको पढ़ते हैं, नाइन टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी इस नंबर का नाइन टाइम्स, मैंने नाइन टाइम्स कर दिया इस नंबर का, ठीक है। नाइन टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस, मतलब अब ये टू टाइम्स है किसका, इस वाले का, तो मैं इसको टू टाइम्स कर देता हूँ, टू एक्स प्लस का बाई, देख लो अच्छे से। इसने कहा कि इस नंबर का नाइन टाइम्स इस नंबर के टू टाइम्स से का टू टाइम्स है, तो मैंने क्या किया, इसका नाइन टाइम्स कर दिया और इसका टू टाइम्स कर दिया, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया मेरा, 90y + 9x इज इक्वल टू 20x + 2y, ठीक है। सबको इस एक तरफ खींच लिया, ट्रांसपोज कर दें, खींचने का मतलब ट्रांसपोज कर दें, -20x माइनस का 2y इज इक्वल टू 0, 90y में से 2y गया 88y आया, इसमें से ये गया तो 11x आ गया। देखो पूरी इक्वेशन 11 से डिविजिबल है, तो हरे डिवाइड कर देते हैं 11, यानी 11 बाहर निकाल लिया, 8y - x इज इक्वल टू 0, तो 8y - x इज इक्वल टू 0, ये 11 इसके नीचे आ जाएगा। अब एक इक्वेशन तो ये थी और दूसरी ये थी, लिख लेते हैं भाई इसको, पूरा कर देंगे क्वेश्चन को, माइनस का x है तो x के नीचे, प्लस का 8y इज इक्वल टू 0, यहाँ से साइन अलग अलग है, कोफिशियंट भी बराबर है, तो ऑन एडिंग पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना बन गया 9y = 9, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9y - 9 इज इक्वल टू बन के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूँ या इसमें पुट कर दूँ, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ इसमें पुट कर देते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो वाई की वैल्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू 8। अब मेरा नंबर क्या बन जाएगा, यहाँ पर नंबर निकल करके आएगा कि नंबर इज इक्वल टू यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट की जगह पे लिखेंगे टेंस डिजिट, टेंस डिजिट पे, तो यूनिट डिजिट पीछे लिखी जाती है और टेंस डिजिट पहले लिखी जाती है, तो बाई की वैल्यू 1, नंबर मेरा क्या आ गया 18 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, और आगे देखते हैं ये हमसे क्या कह रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक विड्रॉ रुपीज 2000, शी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर द रुपीज 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, मीना गॉट 25 नोट्स और फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ द रुपीज 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये मेरा एक फोर्थ पार्ट है। तो उसने 2000 रुपये निकाले और कैशियर से कहा 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट हमें दो। तो हमने लिख लिया लेट
नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज, कितने के मान लें, 50 वाले 100 हो गया, और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 बाई मान लिया। तो कह रहा मीना के पास 25 नोट लाई, तो पहली कंडीशन क्या हो गई मेरी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25 हो गया, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द नोट कितनी है, 2000 के इक्वल है। तो एक तो 50 रुपये वाले हैं, एक 100 रुपये वाले, एक नोट मेरे पास से कितने नोट हैं, एक्स हैं, और एक नोट की वैल्यू कितनी है, 50 रुपये। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50x हो जाएगी, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि 50x प्लस 100y इज इक्वल टू टोटल अमाउंट में जो कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है। देखो पूरी 50 से डिवाइड हो रही है, तो 50 मैंने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। क्या बन गया ये, एक्स प्लस 2y 2000 डिवाइडेड बाई 50, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 5 4 जा, तो ये आ गया एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40 के इक्वल हो गया। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40 आ गया, यहाँ सेम कोफिशियंट है, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग मैंने लिख दिया, यहाँ पे माइनस किया माइनस किया माइनस किया, ये कैंसिल, माइनस वाई इज इक्वल टू -15, तो ये आ गया वाई इज इक्वल टू, मतलब 15 रुपये वाले उसके पास कितने नोट हैं, वो वाई 100 रुपये वाले 15 नोट आ गए। अब वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यहाँ लिखा पुट वाई इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 25, एक्स इज इक्वल टू 25 में से 15 माइनस किया तो 10 आ गया। तो 10 रुपये वाले वो 50 रुपये वाले नोट हो गए 10, और 100 रुपये वाले नोट हो गए हमारे कितने, 15 हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन और है वो भी देख लेते हैं, इक्वेशन बना देते हैं, आप लोग करेंगे फिर उसको। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आया, फिक्स चार्ज को हम क्या करते हैं कि एक्स मान लेते हैं, और चार्ज पर डे को वाई मान लिया, पीछे वाली एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन था। अब इसने हमसे क्या कहा कि शायद सरिता पेड ₹27 टू कैप द बुक इस लैंडिंग फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे, 3 दिन का फिक्स चार्ज है ₹1। तो 7 दिन के लिए वो बुक लाई है हमें, है ना, तो 3 दिन का चार्ज इसमें है, तो चार्ज फॉर द 3 डेज इज इक्वल टू एक्स, एंड चार्ज फॉर नेक्स्ट पर डे इज इक्वल टू वाई हमने सपोज कर लिया। तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 7 दिन के लिए लाई, 3 दिन इसमें निकल गए, तो 4y इज इक्वल टू 27 आ गया। वाइल द सुशी पेड द ₹21 पर द बुक कैप फॉर द 5 डे, तो एक्स आ गया और 2y आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या था, 5th वाला पार्ट का हिंट था, ओके। ये इक्वेशन हमने बना दी, तो उम्मीद है कि आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा, ये एक्सरसाइज भी हमने करा दी वो भी समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू, जय हिंद।